हेलो एवरीवन, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एम मीटर। ओके, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एम मीटर क्या है। तो डेफिनेटली एम मीटर इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। सर्किट में करंट मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? एम मीटर। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि एम मीटर का सिंबल कैसे होता है, तो हम इस तरह एम मीटर का सिंबल देते हैं। और हमें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि एम मीटर कनेक्ट कैसा किया जाता है। ओके, सो एम मीटर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एम मीटर को सर्किट में कैसे लगाया जाता है? सीरीज में। ओके, वेल, तो एम मीटर से दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एम मीटर अगर सर्किट में सीरीज में लगा होता है तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर मस्ट बी वेरी लो। एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। ओके, या फिर द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एम मीटर, आइडियल एम मीटर जिसको हम कहते हैं, तो आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो, आइडियली। बट क्योंकि देखो एम मीटर भी कोई ना कोई डिवाइस का बना है, उसके अंदर कॉइल होगा, पॉइंटर होगा, सब होगा, और उसमें से करंट जाएगा, तो हर मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टर ऑफर करेगा, इसलिए एम मीटर का रेजिस्टेंस तो होता है, आइडियली नहीं होता है। ओके, अब एम मीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होना चाहिए? ओके, वाई? तो कभी हमको ये पूछा कि वाई एम मीटर मस्ट हैव अ लो रेजिस्टेंस? ओके, तो यहां मैं आपको बताता हूं कि सपोज ये एक सर्किट है, रेजिस्टेंस आर है, और ये एक सेल लगा हुआ है। मान लेते हैं सेल का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सेल या बैटरी का ईएमएफ कितना है? इस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस कितना है? तो बताइए, आइडियली अगर आपको कोई पूछता है कि इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, तो व्हाट इज करंट? सो करंट इन द सर्किट इज नथिंग बट टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया भी, मान लेते हैं कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आर प्लस आर। ओके, अब अगर हम इसी को अगर मेजर करना चाहते हैं एम मीटर की मदद से, तो डेफिनेटली हमने यहां सीरीज में क्या लगा देना है? एम मीटर। तो इसके साथ सीरीज में हमने एम मीटर लगा दिया। ओके, और बाकी सारे पैरामीटर एज इट इज है, सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि यहां पे कितना करंट जाएगा, तो डेफिनेटली अब एम मीटर जो करंट रीड करेगा वो क्या रहेगा? तो यहां पर सर्किट में एक डिवाइस बढ़ चुका है, तो इट विल बी ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर ऑफ क्या? एम मीटर। इजंट क्लियर? इसका मतलब एम मीटर लगाने के बाद सर्किट में जो करंट है वो क्या हो जाता है? तो बताओ, आई डैश बढ़ा है कि आई बढ़ा है? तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ गया, एम मीटर सीरीज में लगता है, और सीरीज में लगने से सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और सर्किट का रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो डेट इज बट ऑब्वियस कि करंट कम हो गया। इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर कि आई डैश की जो वैल्यू है, नाउ वी कैन कंक्लूड हियर कि आई डैश की जो वैल्यू है वो आई से छोटी है। इसका मतलब प्रैक्टिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, आफ्टर कनेक्टिंग एम मीटर, आफ्टर कनेक्टिंग एम मीटर इट रीड्स वैल्यू लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। कनेक्ट करने के बाद एम मीटर जो करंट की वैल्यू मेजर करता है वो एक्चुअल से बड़ी करता है या छोटी करता है? कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो बताइए, एम मीटर कनेक्ट होने के बाद सर्किट में करंट क्या हो जाता है? कम। और वो रियल वैल्यू से कौन सी वैल्यू मेजर करता है? कम। इज दैट क्लियर? अब अगर आप देखेंगे, अब इफ वी वॉन्ट, अगर हमें चाहिए कि एम मीटर ने करंट उतना ही मेजर करना चाहिए जितना एक्चुअल है, यानी कि आई करंट इन दिस सर्किट मस्ट बी इक्वल, तो वो कब रहेगा?
तो ये दो इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ई ई आर प्लस आर, आर प्लस आर. इफ वी वॉन्ट दिस देन रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो. दैट इज द रिक्वायरमेंट. अगर ये जीरो हो गया तो ये और ये करंट क्या हो जाएगा, सेम. इसलिए हम कहते हैं कि आइडियली एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए. ओके, सो दिस इज अबाउट एम मीटर. ओके, थैंक यू.